वो देख क्यों वृंदावन, कैसा रहा आज का शो? अच्छा था, हाउसफुल। चार वंस मोर मिले आज। तो हमारे साथ कब करोगे वंस मोर? अरे आज नहीं। ये लो। माँ माँ गए। आ गए तुम? बड़ी देर कर दी आने में, सीधे घर ही आए हो ना? और कहाँ जाता, ये दो पहरेदार जो साथ भेज दिए थे तुमने। माँ लोग तो बाबा को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा तो क्या तुम लोग जागते रहे? बंसी बीच बीच में झपकी ले रही थी। ए कहाँ? छोटा और सुखी परिवार था हमारा, बाबा माँ मान दीदी और मैं। मान दीदी मतलब? मानसी, मन की चाहत मानसी। और बंसी, ये नाम कैसे मिल गया आपको? दरअसल मेरा नाम बंसी नहीं है डॉक्टर साहब। तो? बंसीधर है। क्या? जब मैं पैदा होने वाली थी तब माँ बाबा बेटे की आस लगाए बैठे थे, यहाँ तक कि बाबा ने अपने बेटे का नाम भी रख लिया था, संगीत प्रेमी देवता बंसी बजाने वाला बंसीधर। लेकिन अफसोस कि बेटे की जगह मैं पैदा हो गई। ओ, तो नाम रह गया। शुक्र है कि बंसीधर का बंसी बन गया। बाजू बंद खुले खुले, वाह, इसे कहते हैं सम। संगीतकार की बीवी हूँ, इतना सम तो पकड़ूंगी ही। ले, मुझे पूरा चाहिए। तो रुको जरा। माँ बहुत गर्म है। ए, तूने बड़ा वाला ले लिया तो मैं बड़ी हूँ। मानसी की माँ, मानसी की माँ बोलो पुष्पा। आज स्कूल के बाद मानसी हमारे घर आ जाए। क्यों, कोई खास बात है? आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो, बैठो। अभी बहुत घर जाना है, मुंह तो मीठा कर लो। भेजेंगे ना मानसी को? सिर्फ मान दीदी को? सिर्फ मेरे ही कक्षा की लड़कियां आ रही है ना। मानसी आना जरूर, मुझे तो कभी कोई नहीं बुलाता। बाबा बाबा बाबा, माँ देखो तो मुझे क्या मिला, देखो तो। अच्छा, क्या सब बच्चों को खिलौने बांटे हैं जन्मदिन पर? सबको नहीं जी, सिर्फ मुझे मिली है गुड़िया। अच्छा? मैंने गाना गाया बहुत अच्छा, सब लोग खुश हो गए। बहुत अच्छे बेटा। वैसे मानसी अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते। लेकिन ये तो नकली है। ओहो हो, मैं तो गुड़िया तुम्हें देने वाली थी, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं तो छोड़ो, मैं ही रख लेती। नहीं नहीं, पसंद है पसंद है, बहुत सुंदर है ये गुड़िया। लेकिन मान दीदी तुम्हारे लिए? मेरी गुड़िया तो ये रही। बाबा मैं संगीत सीखूंगी। मैं भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरी औलाद हो, संगीत से कैसे बच पाओगी? आप हारमोनियम लेकर हमें सिखाइए। हाँ। अरे ए, सुनो, ये नहीं सुनेंगे अब, संभल के मानसी। रखो यहाँ। संगीत सिर्फ बाजे की पेटी में बंद नहीं है, वो हवा की तरह चारों ओर फैला हुआ है। सबसे पहले संगीत सुनना सीखो, हर कहीं बसा है संगीत। धरती मैया का, आसमान का, पेड़ों पत्तों का गीत सुनो। क्यों, कुछ समझे बंसी? ए, गुदड़ी क्यों खींच रही है? मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो जाओ माँ से और गुदड़ी लेकर आओ। चलो हम उधर ही सो जाते हैं माँ बाबा के पास। जा। अब बताओ, तुम कोई खुशखबरी सुनाने वाली थी? मानसी बंसी का भाई होने वाला है। क्या कह रही हो तुम, पक्का? हाँ पक्का। सुनो, लेकिन लड़का ही होगा, ये कैसे पता? अंदर से पता चलता है औरतों को, मुझे खास खबर मिली है कि इस बार लड़का ही होगा। ये खबर तो पिछली बार भी मिली थी। और बंसी हुई,
एक और लड़की मुसीबत की पुड़ी। अब की देखना लड़का ही होगा। चलो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बस इस बार पहले से नाम तय नहीं करेंगे। मानती थी पता है लड़का हुआ तो क्या करेंगे। लड़कियों, महाराष्ट्र में हर साल बड़ी धूमधाम से एक संगीत प्रतियोगिता होती है जिसमें एक लड़की को पुरस्कार मिलता है, स्वर राजकुमारी। ये बहुत ही गौरवपूर्ण सम्मान माना जाता है। अब की पहली बार निम्बापुर को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, तो इस प्रतियोगिता में कौन कौन हिस्सा लेना चाहेंगी? अपना हाथ ऊपर उठाना। मैं, ऊंचा ऊपर करना। शाबाश। तुम्हारा हाथ क्यों ठंडा है? तुम डरी तो नहीं हो? नहीं। तुम सचमुच गा पाओगी ना? अपने सारे के सारे गुरुजी होंगे। हाँ गाऊंगी। देख सबके सामने अपना फजीता मत करवाना। क्यों, कोई हंसे तो तुम अनसुनी कर देना। कोई क्यों हंसेगा? अरे लड़कियों का क्या पता, उनको तो बस बहाना चाहिए। शाबाश शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ। अगले साल अच्छी तैयारी करके आना। अब बंसी वृंदावन, बंसी क्या गाओगी तुम? हाँ बंसी क्या गाओगी? गाओगी ना? क्यों? वो शर्माती है गुरुजी, घबरा गई है, वो नहीं गाएगी। अरे घबराना क्या है, आओ आओ बेटे। अच्छा तो मानसी, मानसी वृंदावन। हाँ, हाँ, गुरुजी। चाय? क्यों बंसी, आज मानसी नहीं आई? आजकल उसके लिए जागना वागना मना है ना। अच्छा क्यों? शनिवार को बंबई जा रही है स्वर राजकुमारी प्रतियोगिता के लिए। वाह भाई वाह। क्यों बंसी तुम नहीं जाओगी? जाएगी अगले साल। क्यों बेटे? वृंदावन, वृंदावन। क्या है? रेवती ने भेजा है। क्यों? मानसी को बुखार है, दो चार बार उल्टियां भी हुई। बुखार? शाम को तो बिल्कुल ठीक थी। कितना बुखार है? काफी तेज है। बापू हाँ, ये घर में दे देना, कहना मैं आता हूँ। हाँ देखो रुकना नहीं। अरे पर्दा गिरते ही आ जाऊंगा मैं। इसे पी लिया है। क्या पी लिया? ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन बैद जी इसे तो शनिवार को बंबई जाना है। दिमाग खराब हो गया है वृंदावन? बंबई? ये 15 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। ये तो कमाल हो गया। बहुत बुरा हुआ, ऊपर वाले ने ये कैसा बदला ले लिया हमसे। और नहीं तो क्या? वो कोना देख रहे हो वृंदावन, स्वर राजकुमारी चषक के लिए एक खास जगह बनाई थी हमने। कितनी मेहनत कर रहा था मैं मानसी पर। अच्छा मतलब तुम्हारा तो मुकाबला ही नहीं, क्या रियाज करवाते हैं मानसी बंसी से। क्या बंसी नहीं गा सकती? वैसे बंसी ने ऑडिशन ही कहां दी है? स्कूल में और भी तो गाने वाली लड़कियां होंगी पेड़नेकर गुरुजी। तार टूटी सारंगिया सबके सब, बस एक बंसी काबिल है। बंसी बंसी, लेकिन ऑडिशन के बिना? अरे ऑडिशन ले लेंगे। आखिर पेड़नेकर गुरुजी और हम दो ही तो थे कमिटी में। मान जाओ वृंदावन। अरे मानसी नहीं तो तुम्हारी दूसरी बेटी ट्रॉफी जीत लाएगी। पहले बंसी से तो पूछ लें कि वो गाएगी कि नहीं। हाँ बाबा मैं गाऊंगी, मैं गाऊंगी। माँ मैं नहा लूँ? आज नहीं बेटा कल। संभल के संभल। माँ दीदी, माँ माँ क्या है? ये देखो मुझे पुरस्कार मिला। अरे अरे मेरी प्यारी बच्ची, मेरी स्वर राजकुमारी, फिर मैं तेरी नजर उतारती हूँ। मान दीदी मान दीदी मान दीदी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ।
वर राजकुमारी बंसी।